दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिविजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल एक दो तीन वीडियो में पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री दो क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, क्लास खूब लंबी रहेगी, डेढ़ घंटे दो घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हाँ, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए, तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। टॉपिक पर आते दोस्तों, बात आती किसान सभा के बारे में। अब देखिए किसान सभा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसान सभा क्या था, नाम से आपको नहीं लगता है कि किसानों के द्वारा बनाई गई कोई सभा रही होगी किसान सभा, ऐसे ही थी। अच्छा एक बात और बताओ, इतना बड़ा भारत है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल बंगाल के किसानों ने अपनी सभा बनाई होगी, पंजाब के किसानों ने नहीं बनाई होगी, अवध के किसानों ने नहीं बनाई होगी, या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र के किसानों ने नहीं बनाई होगी, या दक्षिण भारतीय किसानों ने नहीं बनाई होगी। मतलब किसान सभा माने क्या है, किसान सभा यानी किसानों के द्वारा बनाई गई सभा, और वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जाहिर सी बात है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में किसान सभाएं बनाई गई थी। अच्छा एक बात बताओ, किसान सभा में होता क्या रहा होगा, ये रटने वाली बात नहीं है। अगर आज कोई किसान हो, मान लो आप किसान हो, आप कोई सभा करते हो, तो क्या उसमें क्या बातचीत करोगे, क्या यही बातचीत करोगे कि चलेंगे बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे, राफेल विमान कैसे आएगा, यह सब बातचीत करोगे, जीएसटी को बातचीत करोगे, नहीं, यह सब आपका मुद्दा नहीं है। आपका जो बेसिक मुद्दा है वो क्या है कि हमें जो अनाज है, जो बीज है, वो कैसे मिलेंगे, जो जो है सिंचाई की सुविधा कैसे मिलेगी, हम जो है खेतों में जो रसायन का इस्तेमाल करते हैं वो सस्ता कैसे होगा, कैसे हमें सही समय पे बिजली मिलेगी, कैसे हमें जो है कटाई या फिर किसी अन्य तरह के जो बीमा होते हैं वो सब कैसे, मतलब आपके खेत से रिलेटेड समस्याओं को लेकर के तो आप बातचीत करोगे। तो जो किसान सभा है इनकी अपनी एक सभा बनती थी और उसमें अपनी समस्याओं से संबंधित जुड़े विचारों को रखते थे। इसी संदर्भ में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी संदर्भ में फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद है ना, मदन मोहन मालवीय इसके ठीक पहले 1916 में, कब ये 1918 चल रहा है ना, 1916 में दोस्तों उन्होंने BHU की स्थापना किया था, किसकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुना है ना BHU का, तो BHU की स्थापना कराया था किसने, मदन मोहन मालवी ने, वही मदन मोहन मालवी हैं, इन नारायण द्विवेदी हैं, गौरी शंकर जी हैं, ये लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया, इन तीनों लोगों में से किसी एक का नाम पूछ लेता है। वैसे जनरली जो नाम पूछता है या तो मालवी जी का पूछता है या तो गौरी शंकर मिश्रा का पूछता है। गौरी शंकर मिश्रा का नाम आप जरूर याद रखेगा, इनका अवश्य पूछता है, ठीक है। और एक कभी कभी टाइम पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, 1918 में हुआ था। दोस्तों कोरिलेट करके याद करना शुरू कीजिए, कभी भी आप सन पढ़िए ना, कोरिलेट करके पढ़िए, ठीक है। जिस समय रॉलेट एक्ट आया था उसी समय क्या आया था आप याद रखेगा,
ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखेगा, ये 1918-19 सब याद रखेगा। 17 अक्टूबर 1920 को यानी 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसका? अवध। अवध वैसे दोस्तों फैजाबाद को कहा जाता है, फैजाबाद को पुराने समय में अयोध्या कहा जाता था, तो अवध क्षेत्र में भी होता था। लेकिन अवध किसान सभा का गठन कहां पर हुआ है? लोकेशन याद रखेगा, प्रतापगढ़ में 1920 में हुआ है। किसने किया है? तो बाबा रामचंद्र का नाम आता है। किसने किया है? बाबा रामचंद्र का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों बाबा रामचंद्र। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा, जबकि इसके पहले क्या था दोस्तों? उत्तर प्रदेश किसान सभा था। यानी एक उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, एक 1920 वाली जो है वो अवध किसान सभा है, जबकि वो भी उत्तर प्रदेश में थी। लिख रहा अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में से वही जो 1918 वाले में जो गौरी शंकर मिश्रा थे, ठीक है, वो हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, माता बदल पांडे हो गए, बाबा रामचंद्र हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाबा रामचंद्र याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? राम की बात कर रहा हूं। राम, अरे अपने प्यारे राम, अवध वाले राम, ठीक है। तो अवध मतलब अयोध्या, तो राम अवध याद रखेगा, ठीक है। अवध से बिलोंग कौन करता है? राम। तो कभी भी परीक्षा में अगर आपको भूल भी जाए कि अवध किसान सभा से कौन जुड़ा है, तो यार अयोध्या से भगवान राम जुड़े हैं, तो राम का नाम लो ना, बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो याद रखेगा बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ जी, ये सभी लोग अवध किसान सभा से जुड़े हुए नेता थे। 1921-22 में लखनऊ से जो लोग हरदोई जाता है, अभी उस रोड का नाम बदल दिया गया है, टंडन मार्ग रख दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा वही हरदोई और उसके आसपास में बहराइच है, सीतापुर है, सब लखनऊ से जब हरदोई वाले रोड पे जाएंगे तो वहीं पड़ेगा, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया, एका आंदोलन। कौन सा? याद रखेगा एका आंदोलन। तो परीक्षा में पूछता है एका आंदोलन कब चलाया गया था? 1921 में। 1921 में ही दोस्तों दक्षिण भारत में केरल में एक और विद्रोह हुआ था। मैं विद्रोह का एक अलग वीडियो आपको दूंगा, घबराइए मत, जिसमें पूरे भारत में जितने भी आंदोलन, जितने भी विद्रोह हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो केरल में एक हुआ था दोस्तों 1921 में ही, मोपला विद्रोह। कौन सा था? मोपला। तो 1921 में याद रखेगा, और 21-22 के दौरान दोस्तों ये एका विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था? सीतापुर, बहराइच और याद रखेगा हरदोई में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, करा एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत। देखिए जितने भी आंदोलन आप पढ़िए, अगर आप खाली आंदोलन पढ़ेंगे तो हमेशा भूल जाएंगे, एका ओका सब भूल जाएंगे। तो आपको हर एक आंदोलन में एक दो पॉइंट याद रखना है। अभी जो एका आंदोलन था, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, ये जो जगह था वहां पर ये एका आंदोलन चला था। मुद्दा आता है कि एका आंदोलन में लोगों को प्रॉब्लम क्या थी। लिख रहा है इस आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत थी लागान में बढ़ोतरी। तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था? लगान में बढ़ोतरी कर दिया था, और लगान वसूलने की जो प्रथा थी वो काफी बेकार थी, लोगों को समझ में नहीं, समझ में मतलब लोगों के साथ जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। सपोज करो दोस्तों आप कि उस समय के जो किसान होते थे वो अपने परिवारों का भरण पोषण किसानी करके ही करते थे। उस समय में लोग नौकरी चाकरी नहीं करते थे। समय देख रहे हो यार, 1921-22 चल रहा है, कैसे कोई नौकरी करेगा बताओ? उस समय अंग्रेजों की गुलामी होती थी और सिर्फ खेती ही सहारा था। ऐसे में अगर अंग्रेज, मान लीजिए किसी के खेत में कम फसल हुआ, फसलों की कोई गारंटी होती है क्या कि कितना प्रोडक्शन होगा? या आपके पास कोई फिक्स खेत हो तो आप बता सकते हैं क्या कि नहीं इतना ही निकलेगा बीज, जो है धान हो या गेहूं हो, इतना ही निकलेगा? नहीं, तो कोई फिक्स तो होता नहीं है। तो अंग्रेज क्या करते थे, मान लीजिए किसी की फसल खराब हो गई तो उसको जो है किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देते थे, उनसे भी जो है हर तरह की लगान वसूल लेते थे। तो अगर जोर जबरदस्ती करते थे तो ये लोगों के समझ में नहीं आता था। इसीलिए वहां के किसानों ने आंदोलन किया, एक आंदोलन। क्या था? एक आंदोलन, ठीक है। मुद्दा था लगान में बढ़ोतरी। भाई अगर आज जो टैक्स हो रहा है, इस टैक्स को गवर्नमेंट कह दे कि अब सबको 50% टैक्स देना है, तो आप क्या करोगे? आप भी आंदोलन करोगे, आप भी आंदोलन करोगे, ठीक है, होगा ना आंदोलन। अगर मान लो आप कहोगे हम 100 रुपया कमाकर 50 रुपए सरकार को क्यों दे दें, क्यों दें भाई, ठीक है। एक सरकार मांगे, सरकार अपनी व्यवस्था चला रही है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बढ़ोतरी कर दे, ठीक है, टैक्स में। तो यहां पर बढ़ोतरी हुआ था, उसके वजह से लोग जो है परेशान थे। इसके अलावा कह रहा है दोस्तों मदारी पासी का नाम पूछता है, मदारी पासी किस आंदोलन से संबंधित थे? तो क्या बताएंगे? एका आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। मदारी पासी एका आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखिए, गुजरात राज्य के सूरत जिले में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से अक्सर प्रश्न आता है, ठीक है। सूरत जिले में एक जगह है दोस्तों बारदोली, आपने बारदोली का सत्याग्रह पढ़ा होगा। बारदोली के सत्याग्रह से जुड़े हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली में जाकर उन्होंने दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह आंदोलन चलाया था, और किसानों के द्वारा
किसी भी तरह का लगान अदा न किया जाए, इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनमानी तरीके से अंग्रेज पेश आ रहे थे किसानों से। ठीक है, इस वजह से यहां पर लगान नहीं दिया जाएगा, यह कॉन्सेप्ट आता है। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार उस समय नहीं कहते थे इनको, इनको वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही जाना जाता था। सरदार तो अब बुलाते हैं ना, उस समय इनको सरदार नहीं कहा जाता था। और ये कोई सरदार थे भी नहीं, सरदार तो उन्हें कहा जाता जो पंजाब से बिलोंग करता है, वहां के लोगों को सरदार नाम दिया जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार, वो कोई सरदार भी नहीं थे, ना ही उनका कोई इससे लेना देना था। बारदोली सत्याग्रह जब वो कर रहे थे, उस समय सबसे अच्छे सबसे प्रसिद्ध नेता के रूप में वल्लभ भाई पटेल थे। तो बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के सहयोग से क्या किया, इनको उपाधि दिया, सरदार की उपाधि दिया, और तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अब प्रश्न क्या बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? अब यहां पे दो तरह के, अब देखिए यहां पे कॉन्फ्लिक्ट वाले प्रश्न बनते हैं। कैसे? कभी कभी परीक्षा में देता है कि महात्मा गांधी जी ने दिया, हाँ, तो बारदोली सत्याग्रह जब ये हो रहा था तो वहां की महिलाओं ने महात्मा गांधी के द्वारा ही उनको यह उपाधि दिलवाई थी, लेकिन कहलवाया किसने था? महिलाओं ने। तो अगर परीक्षा में महात्मा गांधी दिया है तो महात्मा गांधी उत्तर टिक कर दीजिए, अगर महात्मा गांधी नहीं दिया है, ये दिया है बारदोली की महिलाओं के द्वारा, तो बारदोली की महिला कर दीजिए, दोनों उत्तर सही हो जाएगा। कभी दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर एक साथ देगा तो कोर्ट कचहरी होगी और कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुद्दा समझ रहे हैं ना कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो एक जो है यहां पर सेंस निकलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही बता रहा है यहां पर कि सरदार की उपाधि दी गई, करा यह उपाधि महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसके तरफ से? महिलाओं की तरफ से, गांधी जी ने स्वयं दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला आता है दोस्तों 1936 में दोस्तों एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था 18 में, देखो आपको क्लू मिल गया, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 वाले में क्या था दोस्तों, हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश किसान सभा, पढ़ा था कि नहीं? उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये हमने 18 में पढ़ा। थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1920 में क्या आ गया था यहाँ पर? अवध किसान सभा आ गया था, यही था ना, अवध किसान सभा आ गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, अवध किसान सभा। और 18 दूना 36 में अखिल भारती, ये वाला क्या था? उत्तर प्रदेश के लेवल पर था, किसान सभा। अब आप भूलोगे? नहीं भूलोगे, कोरिलेट करके याद रखो। देखो जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई चीज टेंपरेरी आपको ना पढ़ाई जाए, खाना पूर्ति ना किया जाए, आपको सिखाना है हमें। हम एक टीचर हैं तो हम सिखाने आए, हम पढ़ाने नहीं आए। अगर हमें पढ़ाना होता तो आते और पढ़ाते, जो पीछे लिखा है यही बोलते हैं और चले जाते हैं, तो ये नहीं करना। आपको एक एक लाइन का मतलब बताना है, कहानी समझाना है, 18 दुना के 36। ठीक है, तो याद रखेगा इसको, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, वो भी लखनऊ में ही किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय लेवल पर था, ये बड़े लेवल पर आ गया था। करा इसके अध्यक्ष, अब यहां से भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, एक प्रश्न ये पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है, तो क्या बताएंगे? 1836 में हुआ है। ठीक है, माइक आ रही आवाज ना? ठीक है, 1836 में हुआ, सॉरी 1836 बार बार निकल रहा, 1936 में, सेंस समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1936 में हुआ था। अगर इसके पहले मैंने 1818 का नाम ले लिया हो तो सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। 1918 चल रहा है तो 1918 पे बात करते हैं, 18 दुना के 36। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहां कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का नाम सुना होगा, स्वामी सहजानंद जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए, जबकि महासचिव कौन चुना गया? एनजी रंगा चुना गया। तो जब परीक्षा में प्रश्न बनता है ना, तो आप अध्यक्ष और महासचिव का नाम नहीं पढ़ते हो, आप कंफ्यूज आते हो कि यार दो दो लोगों का नाम कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कभी जब आप पढ़ते हो मुस्लिम लीग के बारे में, आज पढ़ाऊंगा मुस्लिम लीग भी, ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो मुस्लिम लीग के बारे में, तो वहां कहते हो आगा खां है, और कहीं आपको उत्तर सलीमुल्लाह खां मिलता है, मिलता है ना, तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर सही क्या है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर याद रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा में अध्यक्ष की बात करें तो स्वामी सहजानंद, ठीक है, वो अध्यक्ष थे, और किसान हमेशा सहज होते हैं, सहज माने सहज सरल, ठीक है, होते हैं, तो सहज याद रखेगा, सहजानंद अध्यक्ष थे किसान सभा के। ठीक है, और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। ठीक है, ये महासचिव थे एनजी रंगा। दोस्तों ये नाम से लगता होगा ये दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे, ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के किसान सभा के अनुयायी थे। ठीक है, किसान आंदोलन से, कई सारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, एम एन रॉय का नाम सुना होगा आपने, एम एन रॉय, ठीक है,
मानवेंद्रनाथ राय नाम है इनका, ठीक है। 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। तो परीक्षा में एक नंबर का यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी आप मत कहेगा कि नितिन सर ने कोई भी टॉपिक छोड़ दिया, बहुत जल्द आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने वाला, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2-3 पार्ट में आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बैक में जाकर कि एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। एक वीडियो मैं सोच रहा हूं कि आपको पूरा जब 1885 में कांग्रेस बना तब से लेकर के 1947 तक की सभी बातें आपको बता दूं, ठीक है। तो हो सकता है अगला लेक्चर मेरा वही रहे, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। देखिए पढ़ाना पूरा यार, शुरुआत में क्या था कि बड़े जल्दीबाजी में मैं पढ़ा रहा था तो मुझे लगा, मेरी आदत है कि मैं रियलाइज करता हूं कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रहा है, कहां डाउट आ रहा है, उनके दिमाग में कहां दिक्कत चल रही है। तो यार हमारा मुद्दा है, हमको वर्दी चाहिए। देखो हमको क्या चाहिए, आपकी वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी में दिखने चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं मैं मेहनत करने को तैयार हूं। तो मुझे जब पता है कि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो इससे बेहतर अगर मैं किसी दूसरे ढंग से पढ़ाऊं तो बच्चों को और भी ज्यादा समझ में आएगा, तो मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे ने एडमिशन लिया है, कितना फीस है, मैं आ गया हूं तो मैं पूरी बात बताऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला आपके लिए नहीं हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ते जाइए। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात बताऊं तो आप सुनिए कहानी क्या थी। दोस्तों अंग्रेजों ने ना अपने पैर पर समझ लो खुद कुल्हाड़ी मार लिया। क्यों, अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ठीक है, और उसी समय कुछ भारतीय नेता थे जो धीरे धीरे उभर रहे थे, धीरे धीरे उभर रहे थे। जैसे जैसे महादेव रनाडे का नाम सुना होगा, वो जज थे, ठीक है, महाराष्ट्र में जज थे, बड़ा नाम धाम था, ठीक है। तो वो थे प्रार्थना समाज से बाद में जाकर जुड़ गए। वैसे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ गए उसमें जाकर के। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एमजी रनाडे के बाद दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, उनको भारत में वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, ड्रेनवेल थ्योरी उन्होंने दिया था आगे चल करके, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे नेता थे, ठीक है, आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, तो बड़े कद्दावर नेता थे। सूर्यनाथ बनर्जी थे, वो तो बाद में आके जुड़ते हैं, ठीक है, ब्योमेश चंद बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे और बेहतरीन नेता थे। और उस समय के जो वायसराय थे वो धीरे धीरे अच्छे आ रहे थे। अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो वहां तक मामला खराब था क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह था, लेकिन अगर हम आगे चल के लॉर्ड मेयो की बात करें तो वहां से मामला फिर एकदम अच्छा हो गया, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय वायसराय था, ठीक है, डफरिन कौन था, उस समय वायसराय था, तो कहा जाता है कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने कहा था, किसके दिमाग की उपज जो है कांग्रेस थी, तो क्या बताएंगे, डफरिन, ठीक है, डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। अब डफरिन वायसराय था और ये वायसराय ने बताया कि एक ऐसी संस्था बनाओ जिसमें क्या किया जाए, ये जो लोग आजादी आजादी की मांग कर रहे हैं उनको अपने से जोड़ लिया जाए। देखिए होता क्या है, आपको बता दूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी थे, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी थे, शुरुआत में लोकपाल के लिए सामने आए, ठीक है, बाद में धीरे से राजनीतिक पार्टी बनाया उन्होंने और जीते भी चुनाव और धीरे धीरे राजनीति में एंटर कर गए, ठीक है। तो अब उनके जो बोल हैं वो थोड़े से बदल गए, यानी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिलती, थोड़ी चेंजिंग। आज भी बेहतर आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता हो पर्सनली किसी को खराब लगते हो, लेकिन मेरे लिए यार सब अच्छे हैं, ठीक है, जो भी तंत्र को चला रहा है सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। चलो आगे देखो, हाँ ये कल्पना करो कि हम जहां पर रहें हम बेहतर बन के रहें, अपने बारे में हमेशा सोचो, दूसरे के बारे में उंगली कम करनी चाहिए। चलो अब देखो क्या होता है दोस्तों, ठीक उसी तरह से उस समय धीरे धीरे लोगों के सुर बोलने लगे थे। क्यों, क्योंकि लोग आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। तो डफरिन ने सोचा ये जितने लोग बढ़ रहे हैं अगर इनको अपने से जोड़ लिया जाए तो ये आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और इनके बातों को हम लोग दबा दिया जाएगा। तो एक सोसाइटी यहां पर बनती है जिसका नाम है कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त अधिकारी रहता है जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। इसने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया, एक समाजसेवी व्यक्ति था और कंपनी का एक रिटायर्ड अधिकारी भी था, तो इसने सबसे पहले कांग्रेस बनाया। तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया है, तो ए ओ ह्यूम ने किया है। किसके समय में किया है, तो डफरिन के समय में किया जो कि वायसराय था। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, एकदम आखिरी दिन दिसंबर में हुआ था 1885 में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था उसमें हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। सिर्फ
72 लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया था पहली बार जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। कर 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय बीता है, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा कितना समय है, 20 साल का समय है। 20 वर्षों तक जो कांग्रेस रही वो उदारवादियों के हाथों में रही। किसके हाथों में रही? ये उदारवादियों के हाथों में रही। जो उदार दल वाले नेता थे ना, जो एकदम सॉफ्ट वाले नेता थे, उनके हाथों में रही और उनके द्वारा चलाई गई। तो लिख रहा है कि यह कांग्रेस का उदारवादी चरण था जिसमें दादा भाई नरोजी और आपके एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज साम्य था, ये लोग उसमें प्रमुख नेता के रूप में थे। और 1905 से लेकर के 1919 तक का जो समय रहा है इसमें कांग्रेस गर्म दल वाले नेताओं के हाथ में रही। जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नहीं कह सकते हैं, यह उग्रवादी चरण था। क्यों? क्योंकि यहां पर दिक्कतें देखिए बदल गई थी। आप घर में गुस्सा कब करते हो? आप पहली बार गुस्सा नहीं करते हो। आप अपने पर सोचो ना, जब आप किसी बात से परेशान हो जाते हो, उलझ जाते हो, कोई आपका कहना एक दो बार तीन बार चार बार कहने पे नहीं मानता, तब आपको गुस्सा आता है, हां ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 साल से लगातार अंग्रेजों को मनाने में लगी थी, अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद का जो पीढ़ी आया ना, वो थोड़ा सा गर्म वाली पीढ़ी आई। जैसे युवाओं की जो पीढ़ी होती है थोड़ा सा गर्मी होता ना शरीर में, तो ऐसा ही यहां पर हुआ। तो इनको अंग्रेजों ने जो किताब लिखा हिस्ट्री की उसमें इनका नाम दे दिया उग्रवादी। तो यार उग्रवादी थोड़े थे, ये हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, सबसे बेहतरीन नेता थे जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को लगा दिया, ठीक है, इनको उग्रवादी कहना सत्य नहीं है। तो शब्दों का चयन भी अच्छे से होना चाहिए। हो सकता हो पढ़ाते समय मुख से निकल गया हो, लेकिन जिसके लिए जो सम्मान हो मन में होना चाहिए, होना चाहिए मन में, ठीक है। तो याद रखिए एक तरह से उग्रवादी चरण चल रहा था जिसमें लाल बाल पाल और घोष का वर्णन मिलता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद पाल और घोष मतलब अरविंद घोष, इन लोगों का वर्णन यहां पर मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों के हाथों में रहा। आगे लिख रहा दोस्तों, दादा भाई नरोजी ने अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस, दोस्तों इस शुरू में इन्होंने एक संस्था बनाया हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस, ठीक है, नहीं इसके नाम से नहीं, एक और था, ठीक है, उसको लाकर के 1886 में मर्ज करा लिया था कांग्रेस के साथ। ये तो बात की बात है। लिख रहा दादा भाई नरोजी ने अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग किया था, ठीक है। स्वशासन कहा जाता है दोस्तों, स्वशासन जो शब्द था उसका डिमांड सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने किया था। दादा भाई नरोजी ने भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया है। भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना किसने किया है? तो याद रखिए दादा भाई नरोजी ने, और कितना किया था? 20 रुपया किया था, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी थी उस समय? 20 रुपए थी, ऐसी गणना उन्होंने किया था। इसके अलावा दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, यानी थ्योरी ड्रेन वेल थ्योरी दिया था। इस ड्रेन वेल थ्योरी में क्या बताया गया दोस्तों? ये बताया गया कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत से पैसे को लूट करके कहां ले जा रहे हैं? धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहे हैं। मतलब धन निष्कासन, मतलब हमारे देश का धन निष्कासन माने निकलकर चला गया, उसके ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया कि कैसे चला गया, ठीक है। तो उसके ऊपर इन्होंने अपना जो है बात रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे के पूरे इतिहास में एक बड़ा समय जो था उसको मैं समराइज करके आपको पढ़ा रहा हूं, जितना आपके लिए परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आज आप लोगों को आवाज में और ज्यादा क्वालिटी नजर आ रही होगी, वीडियो में भी क्वालिटी नजर आ रही होगी, इसी तरह से आपको आगे भी क्वालिटी नजर आएगी, ठीक है। चलिए चीजें सही चल रही है ना, बिल्कुल सही चल रही है। चलो आगे देख लो, लिख रहा है जुलाई 1905 में, ये 1905 का समय वही समय दोस्तों जब अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। सर ये बताओ आप, बंगाल का विभाजन किया क्यों? दोस्तों एक बात बताऊं आपको, 1899 से लेकर के 1905 तक जो वायसराय था ना, वायसराय कौन था? करजन था। कौन था? करजन, करजन, लॉर्ड करजन का नाम सुना होगा ना, ये वायसराय था। और ये हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं देखना चाहता था। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं था, ये भारतीयों की एकता नहीं देखना चाहता था। हिंदू मुस्लिम ये भारतीयों के अंदर आ जाएंगे, ये भारतीयों की एकता नहीं देखना चाहता था, तो ये भारतीयों को तोड़ना चाहता था। और जितने भी कार्य होते थे वो कलकत्ता से होते थे। कैसे? याद रखिए आप शुरुआत में देख लो, जितने भी बढ़िया बढ़िया विचारक रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग कलकत्ता से बिलोंग करते थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, चाहे मतलब मैक्सिमम लोग जो है या तो कलकत्ता नहीं तो बंबई नहीं तो बीच में अवध, यही दो तीन जगह से लोग बिलोंग करते थे, उसमें भी कलकत्ता का सबसे बड़ा योगदान था। क्यों? अरे भाई राजधानी थी कलकत्ता में, कलकत्ता में क्या थी? राजधानी थी। तो इसने क्या किया?
कि कलकत्ता को मतलब पूरे बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो बांग्लादेश एक अलग से पार्ट बना दिया, किसने? करजन ने। और जब बांट दिया तो इसने इस नियत से बांटा कि एक तरफ हिंदू रहे एक तरफ मुस्लिम रहे, ताकि दोनों में फूट पड़े और लड़ाइयां हो। आप देखो, पांच में बांटा और छह में मुस्लिम लीग बन गया। क्यों? अरे सारे मुसलमान ऐसा नहीं था कि भारत से अलग होना चाहते थे, लेकिन कुछ के अंदर जो है थोड़ी सी अलगाव वाली भावना थी। तो धीरे धीरे वो पनपेंगे ना, इनको पता था कि ये तो बीज बो रहे थे। अब बीज जब बड़ा होगा तब धीरे धीरे पौधा बनेगा, तब जाकर के पेड़ बनेगा, ठीक है। तो अभी तो बीज बो रहे थे। तो 1905 में इस करजन ने क्या किया कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया 1905 में। इसके जस्ट बाद आंदोलन शुरू हो गया। लिख रहा है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया कि हम इस आंदोलन का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और उसके लिए एकजुट होकर के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, हम लोग मिलजुल करके क्या करेंगे, इसको बहिष्कार करेंगे, मतलब इसको हटाएंगे। ऐसा प्रस्ताव लोगों ने पारित किया। कब? मामला था जुलाई का, बंटवारा जुलाई में हुआ था, अगस्त में प्रस्ताव पारित हुआ, और अक्टूबर में दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया था। उस समय खाली जुलाई में बात आई थी, ये विभाजन लागू कब हुआ था दोस्तों, बंगाल को दो हिस्सों में बांटने वाला कॉन्सेप्ट 16 अक्टूबर 1905 को, और जिस दिन बांटा गया इस बंगाल को, ठीक है, उस दिन लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाया, और हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथों में कलाइयां पर जो है क्या बांधा, रक्षा बांधा, जैसे आज रक्षाबंधन होता ना, तो उस तरह की एक राखी बांधा, यह दिखाने के लिए कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हैं, एक ही मां के औलाद हैं, एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने वाले हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है, और जो तुम करना चाहते हो, जो तुम दिखाना चाहते हो, पूरी तरह से क्या है, गलत है। समझ रहे हैं बात को? तो इसको समझिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, कह रहा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी। अब देखिए यहां से प्रश्न आता है, ये जो संजीवनी है इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो संजीवनी को तैयार किसने किया? तो लिखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने तैयार किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और ये जो बहिष्कार चल रहा था उसके बारे में डिटेल से बताया है, तो इस किताब का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बंगला का प्रसिद्ध गीत लिखा था, और आगे चल के 1971 में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, ठीक है, आमार सुनार बंगला। इसको याद रखेगा। फिलहाल ये सब एकता के लिए किया गया था, लेकिन फाइनली अंग्रेजों की हार होती यहां पर, और अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। जो करजन था उसको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि आंदोलन धीरे 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 करते करते बहुत बड़ा रूप ले लिया था, ठीक है। लोगों ने यहां पर अंग्रेजी सामानों, अंग्रेजी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने बंबई तथा पुणे में, ठीक है, अब देखिए तिलक जी का घर कहां पे था, मराठा व्यक्ति थे, तो तिलक जी महाराष्ट्र को संभालने में लगे थे, महाराष्ट्र और पुणे देख रहे थे। अजीत सिंह का नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय जी का नाम सुना होगा, ये लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रांत देख रहे थे। सर हैदर राजा का नाम सुना होगा, ये दिल्ली देख रहे थे, और चिदंबरम पिल्लई का नाम सुना होगा जो मद्रास देख रहे थे, और वहां पर स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। और वैसे भी लाल बाल पाल क्या है, आप लाल बाल में लाल बाल को देख लिए, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन की आवाज को बुलंद करने में लगे थे, लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में आवाज को बुलंद करने में लगे हुए थे, ठीक है, क्यों? ताकि स्वदेशी आंदोलन को समाप्त कर दिया, मतलब स्वदेशी आंदोलन सक्सेसफुल हो जाए और ये जो बंटवारा किया गया इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। लिख रहा है उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। अब देखिए यहां पर शब्द कैसा कैसा इस्तेमाल लिखा गया, ये किताबों की जो लाइनें हैं ये हमारी अपनी लाइनें नहीं है, सरकार को इतिहास को फिर से लिखाना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी लाइन नहीं है, लाइन हमारी नहीं तो किसकी लाइन है? अरे देखो ना कैसे कैसे लाइनों का इस्तेमाल किया गया, ये मैंने टाइप जरूर कराया है, लेकिन किताबों में डिक्टो एनसीईआरटी में यही लाइनें दी गई हैं। लिख रहा उग्र राष्ट्रवादी नेता, यानी जो हमारे देश में जो उग्र मतलब जो गर्म खून वाले नेता थे, उन्होंने क्या चाहा कि आंदोलन पूरे देश में फैला दिया जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े, बंगाल विभाजन रद्द हो जाए और
अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की बोलियां बुलंद हो जाएं। करा सिर्फ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर वह स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। लिख रहे हैं, अच्छा आप सोचो ना कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे, विभाजन बंगाल का हो रहा था, तो भैया उसमें लाला लाजपत राव, बाल गंगाधर तिलक और चिदंबरम पिल्ले क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए? विभाजन तो बंगाल का था ना, तो फिर इन लोगों का क्या रोल था? नहीं, इन लोगों का रोल था कि लोग आवाज उठाएं। अरे कैसे, दक्षिण भारत में कोई घटना घटती है तो उत्तर भारत में कैंडल मार्च निकलता है, निकलता है कि नहीं? ये तो आम सी बात है ना, मुंबई में या दिल्ली में किसी बच्ची का रेप हुआ तो उत्तर भारत में क्या अन्य राज्यों में उसके प्रोटेक्शन में लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं? उतरते हैं। मामला ये नहीं है कि मुद्दा कहाँ का, मामला ये है कि सारा मुद्दा हमारे देश का है। और धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग मिल करके इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहते थे ताकि धीरे धीरे लोग स्वराज की मांग करें। स्वराज मतलब जहाँ पर स्व माने अपना, राज माने राज हो, जहाँ पर हम भारतीयों का राज हो, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए लोग यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। ठीक है, लिख रहा इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है दोस्तों, नाम याद रखेगा, क्या नाम है? बारीशाल का स्वदेश बांधव समिति। इस समिति की स्थापना किया था अश्वनी कुमार दत्त ने, स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त जी ने जो है स्वदेश बांधी समिति की स्थापना किया था। और इस आंदोलन में जो 1905 का जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में जैसे अभी आरएसएस काम करती है अपने देश में ना, उस जमाने में इस तरह का संगठन था जो युवाओं को जोड़ रहा था इस आंदोलन से। ठीक है, ताकि लोग धीरे धीरे स्वराज की भी मांग करना शुरू कर दें। ठीक है, आगे दे रहा है, आचार्य पीसी राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल्स स्टोर की स्थापना किया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन बनाया था, उसकी तर्ज पर एक बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया और अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। देखिए अब ये सारी बात कहां से आ गई दोस्तों, धीरे धीरे लोगों ने जो अंग्रेजी वस्तुएं थी, यानी जो इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुएं थी, शुरू में तो उनका बहिष्कार हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने और भी ज्यादा बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेजी फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया, कंपनियों में काम करना बंद कर दिया, अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ना बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा अब लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो लोगों ने कहा हम अपना विद्यालय बनाएंगे, और उस कार्य में लोगों ने काम भी किया। ठीक है, तो जहां अब पहले हम डिपेंडेंट थे, पूरी तरह से निर्भर थे अंग्रेजों के ऊपर, अब हम धीरे धीरे स्कूलिंग में भी आ गए। ठीक है, और कई सारे स्कूल भी बनाए गए, तमाम चीजें बनी। ठीक है, लिख रहा 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया भारत में। ठीक है, 1906 को करा, इसी समय अमरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति, अच्छा ये उस समय जो है स्कॉलरशिप चल रहा था, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। और जो पहली छात्रवृत्ति मिली थी वो भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली थी। नंदलाल बोस का नाम आप अपने जान लो कि हाथों में लिख लो, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जो चित्रकारी का काम किया, जो मूल संविधान है ना दोस्तों, उसमें इतना बढ़िया बढ़िया इमेज बनाया है उस जमाने में कि आपको एक एक इमेज देख करके आप मन खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएंगे। ठीक है, तो उस इमेज को बनाया किसने, आज भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो याद रखेगा, नंदलाल बोस जी ने तैयार किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे करा दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दूती, अब देखिए आगमन था किसका, लॉर्ड हार्डिंग दूती। अभी देखिए क्या होता है कि कर्जन चला गया, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जो, वो चला गया। ठीक है, वापस, और वहां से फिर मिंटो दूती को भेजा गया, लॉर्ड मिंटो दूती को भेजा गया। इसी मिंटो दूती ने क्या किया था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से जो है निर्वाचन परिषदों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बनाई ताकि लोगों में फूट पड़े, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो अभी 16 अक्टूबर 1905 को राखी बांधने में लगे थे, अगले 5 साल क्या 2 साल के अंदर इनमें फूट पड़ गया। कांग्रेस तक टूट के 2 हिस्से में बट गई। ठीक है, तो सब याद रखेगा। यहां कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दूती ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे 1911 में, और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और जो राजधानी थी वो कलकत्ता से उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, तो यह घोषणा हुआ 1912 में, यह राजधानी ला भी दी गई कलकत्ता से दिल्ली। करा 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत भी बना दिया गया और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत की स्थापना की गई। इसके पहले उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत नहीं थे, बल्कि बिहार भी
बंगाल प्रांत में ही आया करता था। केवल यहाँ पर अवध एक अलग से प्रांत था जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अवध अलग रखेगा, अवध या संयुक्त प्रांत याद रखे ज़्यादा सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, और भी अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया से आप लोग पढ़ते चलिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, उबियमत, थोड़ी सी लंबी क्लास है अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, ठीक है, आप आराम से खाली पढ़ते चलिए। लिख रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग, कह रहा है 1906 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां, ठीक है, और मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। देखिए तीन तीन लोगों का नाम आ गया, 1906 में आगा खां का नाम आ गया, 1906 में ही ढाका का जो नवाब था सलीमुल्ला खां और उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था मोहसिन मुल्क, इन तीन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया, मुस्लिम लीग तैयार किया, मुस्लिम लीग बनाया, ठीक है। करा सलीमुल्ला खां को जो नवाब थे इसको, इनको क्या बनाया गया, मुख्य संस्थापक बनाया गया, जबकि जो आगा खां थे उनको मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो संस्थापक और अध्यक्ष में अंतर है। अगर मैं दोस्तों पीछे जाकर थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा बात है कांग्रेस के बारे में और बताऊं, तो कांग्रेस की स्थापना भले ए ओ ह्यूम ने किया था, लेकिन याद रखिए कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए, पहले अध्यक्ष याद रखेगा डब्ल्यू सी बनर्जी, क्या नाम था, डब्ल्यू सी बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो परीक्षा में आप ध्यान दीजिए कि आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है या किसी और तथ्य के बारे में जानकारी मांग रहा है, एकदम इत्मीनान से आपको पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्य संस्थापक माना जाता है सलीमुल्ला खां को, जबकि अध्यक्ष माना जाता है किसको, याद रखेगा आगा खां को, 1906 में बना था। लिख रहा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, अब जो प्रथम चरण चल रहा था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हो गई, कब, जब बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तो इसी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, अरे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अलग अलग लोग आकर जुड़े ना इससे, ठीक है। तो याद रखिए क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण है और यह 10 साल चलता है, 1905 से लेकर 1915 तक, 10 साल क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। लिख रहा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत वैसे तो 1897 में हो गई थी, जब महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते थे चापेकर बंधु, दो भाई थे, एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर, दूसरा था बालकृष्ण हरि चापेकर। तो दोनों लोग के नाम के आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा नाम अगर आपको जानना हो, दामोदर हरि चापेकर, इसीलिए इनको चापेकर बंधु कहा गया, ठीक है, ये दोनों भाई थे। तो चापेकर बंधुओं ने क्या किया दोस्तों, 22 जून 1897 को पुणे का एक कमिश्नर था रैंड एवं एमहर्स्ट, ठीक है, उसकी हत्या कर दिया। ये पहली बार था जब इतने बड़े अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके पहले भी किया गया था लेकिन वो मंगल पांडे के टाइम में किया गया था, ठीक है भाई, वहां पर भी हुआ था ना हत्या। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद से कभी हुआ नहीं। तो 57 देखिए, आप देखिए, अब देखिए हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन मैं इतिहास को जोड़ करके ऐसा बताऊंगा कि शायद आपको याद हो। सुनिए 1857 की क्रांति बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, 57 के बाद देखिए 67 हुआ, 77 हुआ, 87 हुआ और 97 हुआ, कितना साल हुआ, 10, यहां देखिए 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल, 40 साल बाद 1897 में आ गया, 40 साल बाद 1857 की क्रांति का जैसा दृश्य हुआ था वैसे ही अंग्रेज कमिश्नर अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिया चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। कहानी फिर 1857 वाली यहीं से रिवीजन होने जा रही, रिवाइज होने जा रही, ठीक है, यानी इतिहास अपने आप को दोहराने चल रहा है। तो इनको हत्या कर दिया, अब जाहिर सी बात है हत्या करने के बाद इनको भी पकड़ करके अंग्रेजों ने फांसी दे दिया होगा, ठीक है। आगे देखिए, करा अप्रैल 1908 में, यानी 10 साल के बाद 11वें साल में, आप देखिए 1897 में चापेकर बंधुओं ने घटना को अंजाम दिया और फिर 1907 के जगह 1908 में आ जाइए, ठीक है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी, ठीक है, इसके आगे लगा दीजिएगा पूरा नाम था प्रफुल्ल चाकी या प्रफुल्ल चंद चाकी, इन्होंने मुजफ्फरनगर के बदनाम जज जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया, हालांकि किंग्सफोर्ड उसमें नहीं मरा लेकिन उसके परिवार के लोग मारे गए, ठीक है, किंग्सफोर्ड के परिवार के लोग मारे गए, ठीक है, उसमें कौन कौन सा था, खुदीराम बोस और प्रफुल्लचंद चाकी। तो प्रफुल्लचंद चाकी ने तो खुद अपने आप को गोली मार लिया कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने हाथों से मर जाऊं, तो प्रफुल्लचंद चाकी ने अपने आप को गोली मार दिया, लेकिन खुदीराम बोस को वहां गिरफ्तार कर लिया गया और खुदीराम बोस को जो है अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, ठीक है। यह क्रांतिकारी घटनाएं बता रहा हूं मैं,
और इन सभी घटनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आगे देखिए, आपने लाल बाल पाल के दौरान घोष का भी नाम सुना होगा, अरविंद घोष। शुरुआती समय में ये गर्म दल के नेता थे, लेकिन जीवन के पड़ाव के अंतिम समय में इन्होंने संन्यास भी धारण कर लिया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो लिख रहा है अरविंद घोष की, अलग से बात बता रहा, अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उनको भी 1908 में अलीपुर बम षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया और अलीपुर मामले में इनका साथ दिया चित्रंजन दास ने, नहीं तो यहां पर ही निपट गए होते हैं, ठीक है, काम खत्म हो गया होता। अंग्रेज मतलब इतना पेचीदा मामला बना डाले थे कि ये रिहा होने वाले नहीं थे, ये अंतिम में मतलब एक बार अंग्रेजों के चुंगल में जो आ जाता था ना, बिना सोचे समझे कसाब की तरह खाना थोड़े खिलाते थे, तुरंत फांसी, बात खत्म, रात गई बात गई, तुरंत फांसी, ठीक है, ये काम होता था। तो चित्रंजन दास, जिसे हम सी आर दास के नाम से जानते हैं दोस्तों, आगे चल के यही सी आर दास मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना करते, क्या करते हैं, स्वराज पार्टी, 1923-24 के दौरान हुआ ना स्वराज पार्टी, ठीक है, तो याद रखेगा। कर चित्रंजन दास जी ने इनका सहयोग दिया, ठीक है, सहयोग किया किसका, अरविंद घोष का, और अंततः इनको रिहा करा लिया। अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई ये सरकारी गवाह बन गया था, भारतीय व्यक्ति था लेकिन धोखा दिया था, ठीक है, इसी की वजह से यह मामला चला था। लिख रहा दिसंबर 1912 में एक और व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के आंख में ऐसे खोल करके ऐसे धूल मारा और धूल मार के चले गए और अंतिम समय तक अंग्रेज इनका कुछ उखाड़ नहीं पाए, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इनको दोस्तों, दामाद कहा जाता है, कहां, किसका दामाद, जापान का दामाद कहा जाता है। कैसे सर, ये भारत से भागते वक्त चले गए जापान, वहां जाकर एक जापानी लड़की से मोहब्बत हो गया, ठीक है, मोहब्बत एकदम पूरा फिल्मी स्टाइल वाला, ठीक है, एक जगह बेकरी में काम करते थे तो बेकरी का जो मालिक था उसकी जो लड़की थी, बस उसी से नैन मटक्का हो गया, प्यार हो गया, शादी हो गया, धीरे धीरे बेकरी वाला इनको बड़ा मानने लगा, वो बेकरी वाला क्या किया, इनको रख लिया अपने पास, ठीक है, बिटिया से विवाह हो गया, अब बढ़िया ये क्या हो गए, जापान के दामाद हो गए। जब अंग्रेजों को पता चला कि वही रास बिहारी बोस है जो भारत में ऐसा कांड करके जापान पहुंच गया है, तो जापान से अंग्रेजों ने कहा कि काम करो तुम हमसे कुछ भी ले लो, रास बिहारी बोस को दे दो। अरे जापान ने कहा अपने दामाद को कैसे दे दूं भाई, गजब बात करते हो, कैसे दामाद को दे दूं भाई, जापान ने कहा मैं अपने दामाद को कैसे दे दूं, नहीं, रातों रात जापान ने सारे सुराग जला डाले, अंग्रेजों के पास कुछ सुराग थे वो सारे सुराग जला डाले, बोला कुछ भी हो जाओ अपना दामाद देने वाले नहीं है, बिटिया हमारी इसके साथ है, ठीक है, और जापान ने दिया नहीं है, जापान ने भारत का साथ दिया है। तभी तो आपने सुना होगा जब सुभाष चंद्र बोस जी गए थे रास बिहारी बोस से मिलने, ठीक है, ये वही रास बिहारी बोस से आगे बहुत काम करेंगे, अभी आगे इनकी कहानी बताऊंगा इत्मीनान से, ठीक है। लिख रहा है 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग, वो जो वायसराय था ना, उसी गाड़ी बम मार दिया, ठीक है, तो याद रखेगा, कह रहा है कि उनके ऊपर बम फेंका और जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपियों में अवध बिहारी थे, अमीर चंद थे, बाल मुकुंद थे और बसंत विश्वास, इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और वायसराय के ऊपर बम मारे थे तो फांसी दे दिया गया इनको, ठीक है, लेकिन रास बिहारी बोस वापस नहीं लौटे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह से कुछ घटनाएं घटी दोस्तों विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बैठ करके काम चल रहा था, विदेशों में बैठ करके भी काम चल रहा था। जब कभी विदेशों की बात आती है, मुझे एक व्यक्ति की याद बड़ी आती है, पता है, एक इंडिया हाउस लंदन में दोस्तों एक जगह बना था, ठीक है, जहां पर सारे भारतीय रहा करते थे, नाम क्या था लंदन में उस जगह का, नाम था, उस जगह का नाम था इंडिया हाउस, क्या नाम था, इंडिया हाउस, ठीक है, तो नाम से ही लगता है कि यहां बहुत सारे भारतीयों का अड्डा रहा होगा, ठीक है, इंडिया हाउस, और यहीं पर जितने भारतीय रहते थे उसमें कुछ लोगों का सीक्रेट ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, और वही क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे दोस्तों। इस इंडिया हाउस में ऐसा माना जाता है, अच्छा, इसकी स्थापना किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, और श्यामजी कृष्ण वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखेगा, और इसी इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर भी इसी से जुड़े हुए थे, तो उनको भी आप याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, लिख रहा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीकाजी कामा हिस्सा लेने के लिए गई और सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा ने वहीं पर झंडा फहराया था। कहा जाता है कि भारतीय तिरंगा को सबसे पहले किसने फहराया, तो क्या बताएंगे, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, ठीक है, और उन्होंने वहां पर भारतीय तिरंगा फहराया 1907 में जर्मनी के स्टॉट में, द्वितीय याद रखेगा, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने किया था। करा 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या कर दिया था, ठीक है, मदनलाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या, वैसे मदनलाल ढींगरा इनके पिताजी पेशे से सर्जन थे, ठीक है, और ये करजन वाइली याद रखेगा उस समय आप कह सकते हैं जैसे आज गृह मंत्रालय होता ना, पूरा
पावर गृह मंत्रालय के कंट्रोल में होता है, उसी तरह अंग्रेजों का जो सचिवालय होता था उसका मेन हेड था करजन वाइलियर, सारा नियम कानून यही बनाता था, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा के परिवार का बड़ा अच्छा संबंध था, लेकिन उल्टे ही मदन लाल ढींगरा ने मार दिया इनको, ठीक है। 1909 में लंदन में, ठीक है, लंदन में रहते थे, इंडिया हाउस में रहते थे, बात बात पे ऐसे जोश आया, चले गए, ठोंक दिया, ठीक है, काम खत्म। इसी तरह दोस्तों गदर आंदोलन का नाम सुना होगा, गदर आंदोलन दोस्तों 1 नवंबर 1913 में, जब गदर आंदोलन का नाम आ जाए तो याद रखें लाला हरदयाल का नाम याद रखेगा, लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में पड़ता है, वहां पर गदर पार्टी का स्थापना किया। दोस्तों इस तरह की जो बाहरी, चाहे इंडिया हाउस हो जाए चाहे गदर पार्टी हो जाए, दोस्तों ये भारत से बाहर जो स्थापित किया गया था, और इसलिए स्थापित किया गया था कि जो लोग भारत से बाहर रहकर भारत को आजाद कराना चाहते हैं वो हमारी संस्था से, हमारी पार्टी से जुड़े, ताकि हम लोग विदेश में बैठकर रणनीतियां बनाकर भारत को आजाद दिला दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए काम कर रहे हैं, लिख रहा है सोहन सिंह भाकना। अब यहां भी देखिए नाम आता है ना कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जैसे पूछे आप याद रखना सोहन सिंह भाकना है, सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे, जबकि स्थापना किसने किया था, संस्थापक, जैसे एलन वेक्टेलियन ह्यूम कौन थे, वो संस्थापक थे, तो लाला हरदयाल कौन थे, वो संस्थापक हैं, और अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस वाले में, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहां अध्यक्ष कौन है, सोहन सिंह भाकना। तो गलती मत करिएगा, मैं तो आपको समझा दे रहा हूं, इतने इत्मीनान से कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। आगे देखें, करा लाला हरदयाल को इसका प्रथम मंत्री बनाया गया, तथा काशीराम इसके क्या बने, कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 में ही गदर एक पत्रिका आती है जो उर्दू में शुरुआत में था, बाद में इसको गुरुमुखी लिपि में भी निकाली गई। करा सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को लेकर के कामागाटा मारू, एक जहाज था जिस जहाज को कनाडा पर उतरने नहीं दिया गया वहां भारतीयों को, ठीक है, तो याद रखे ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन कनाडा के अधिकारी ने वहां उतरने की अनुमति इनको नहीं दिया था, तो ये भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। करा अधिकारियों के, यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम और सोहनलाल बरवन सिंह ने के नेतृत्व में एक सोर कमेटी का गठन हुआ था, ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, तो इसमें आने वाला आपके परीक्षा में नहीं है। आगे लिख रहा है राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान में अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया। याद रखिए देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले ही सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन ने किया, अगर परीक्षा में पूछता है तो किनका नाम बताएंगे, राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया था, मतलब अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था जिस समय आजादी भी नहीं मिली थी, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए दे रहा दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण, ये चरण स्टार्ट होता है 1924 में। देखिए पहला 1905 से 15 तक चला है, 15 में फिर क्लोज हो गया, क्यों, क्योंकि 15 में अब एंट्री होगी महात्मा गांधी जी का, और महात्मा गांधी जी का चरण शुरू होगा। यहां पे 24 से 34 तक का साल है, ये 10 साल और, ठीक है, क्यों, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उधर बीच क्या हुआ था ना कि अंग्रेजों ने सारा काम रफा दफा कर दिया था। अब देखिए यहां पर आ गया 24 से 34, लिख रहा उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA बोलते हैं, बाद में चल के इसी में एक और नाम जुड़ जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यस जुड़ जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो उसको बोलते हैं HSRA, लेकिन शुरुआत में पहले HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। किसने किया था दोस्तों, तो रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था, बहुत सारे नेता इसमें थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। यही एचआरए था जिसने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर आने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन में रखे हुए अंग्रेजों के सोने को लूट लिया, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसमें काकोरी कांड का जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाकुल्ला खां थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहड़ी थे, इन लोगों को फांसी दे दिया गया। बाकी जितने लोग बाहर बाहर से सपोर्ट कर रहे थे उनको क्या दे दिया गया, उनको ढूंढ करके गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास भी दे दिया गया। सितंबर 1928 में 28 पहुंच गया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA को एक नया रूप दिया गया HSRA। HRA याद रखिएगा 1924 में बना था, कानपुर में बना था, जबकि HSRA ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के दिल्ली में, ठीक है, सॉरी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका नाम बदला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, तो याद रखिएगा 1928 में, चार साल बाद। करा 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ क्या चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था,
उनको भगाने के लिए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। दोस्तों ये कमीशन बनाया गया था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, उसीलिए इस कमीशन का विरोध हो रहा था और संपूर्ण भारत में इसका विरोध हो रहा था। लाहौर में भी इसका विरोध हो रहा था जहां लाला लाजपत राय जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, भगत सिंह जी भी साथ थे, ठीक है, और लाला लाजपत राय जी के सर पर यहीं चोट लग गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाठीचार्ज का जो आदेश आ गया था, ठीक है, तो याद रखेगा लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु हो गई 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गिरफ्तार किया गया भगत सिंह और राजगुरु ने, सॉरी गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तारी तो बाद में देंगे, स्वयं से आके भगत सिंह गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन अभी नहीं। दोस्तों जब इनके लाठी से इनकी मृत्यु हो गई तो गुरु मानते थे भगत सिंह, लाला लाजपत राय जी को अपना गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो लाठी चार्ज किया था उसका नाम था सांडर्स, ठीक है, और सांडर्स की हत्या करने का पूरा प्लान तैयार किया किसने, भगत सिंह ने मिलकर के अपने मित्रों के साथ मिलकर के, उसमें बटुकेश्वर दत्त वगैरह भी थे। लिख रहा 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने ले जा करके एकदम डायरेक्ट ले जा करके बम मार दिया, ठीक है, और वहां से गए भी नहीं, वहां खड़ा होकर वो पर्चे बांट रहे थे ताकि बाहरों को उनकी आवाज सुनाई दे, ठीक है, और वहां पर उनकी गिरफ्तारी होती, गिरफ्तारी होती क्या, गिरफ्तारी वो देते हैं, चाहते तो वहां से भाग जाते, लेकिन भागना उनका कर्तव्य नहीं था ना ही धर्म कहता था। तो याद रखिए यहां पर जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आगे दोस्तों उन पर मुकदमा चलाया जाता है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीन अन्य क्रांतिकारियों को, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी जाती है। फांसी उन्हें 23 मार्च 1931 को दी गई है, 23 मार्च 1931। 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि फांसी का जो दिन निर्धारित किया गया था 24 मार्च निर्धारित किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी दे दिया, ठीक है, तो ये याद रखेगा। करा जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन कर दिया था, जिसमें अनशन के 64वें दिन मतलब लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल कर दिया जतिन दास ने, ठीक है, जतिन दास याद रखेगा, 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो यार बहुत गजब गजब क्रांतिकारी रहे हैं। सोचिए इस देश को आजादी कैसे मिली है, इतने लोगों ने अपना खून पसीना दिया है, आज नहीं हिम्मत, आज के नेताओं में हिम्मत नहीं है, ठीक है, इतने लोगों ने खून पसीना दिया है, उसके बावजूद भी हम देश की कीमत को नहीं समझते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस देश को पाने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है, उसका कोई मूल्य पैसे में नहीं है, ठीक है, कितना समय गुलामी की बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे, कैसे कैसे करके अपने देश को आजाद कराएं, और आज जब फिर वही सारे इशू सामने आते हैं, वही रेप, वही भ्रष्टाचार, वही आतंकवाद, वही लड़ाई झगड़े, ठीक है, बहुत कष्ट होता है, लोग समझ क्या रखें, मतलब समझते नहीं हैं, इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है चटगांव शस्त्रागार हमला। चटगांव दोस्तों जगह था पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, जहां पर अंग्रेजों की समझ लीजिए बंदूकों की एक फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री ने बहुत बड़ा एक शस्त्रागार था जहां सभी तरह के शस्त्र, बंदूक, गोलियां सब रखे जाते थे, वहां पर उसको लूटने का प्लान बनाया, ठीक है। एक भारतीय ने कहा कि अगर हमको अंग्रेजों से लड़ना होगा तो हमारे पास शस्त्र चाहिए, और शस्त्र रखने का अधिकार हमें है नहीं, तो हम अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे, काम करते हैं, प्लान बनाते हैं, और अंग्रेजों का शस्त्रागार क्या करते हैं, लूट लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य सेन जिनको मास्टरदा कहा जाता है, वो इसके मास्टरमाइंड थे, सारा प्लान उन्होंने तैयार किया था। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में हुआ था, ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो थी उसके सहयोग से चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करना और चटगांव के का बंगाल से संपर्क करने की कार्यवाही, सॉरी संपर्क काटने की कार्यवाही की गई ताकि चटगांव को अलग किया जाए और वहां पर जो शस्त्रागार है उसे लूट करके वहां पर पूरा अपना कब्जा कर लिया जाए। इसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल सहित कुल 65 क्रांतिकारी शामिल थे, और इस क्रांतिकारी आंदोलन में दोस्तों महिलाओं ने भी अपना सक्रिय रोल दिया था। अब महिलाओं की बात आती तो मैं आपको बताऊं, प्रीति लता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा था और इस दौरान वो शहीद हो गई थी, प्रीति वाडेदार ने। आगे दोस्तों कल्पना दत्त का नाम सुना होगा, सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी। दोस्तों कोमिल्ला की छात्राओं ने तो गजबे कर दिया, ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के डीएम की हत्या कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बीना दास ने दीक्षांत समारोह चल रहा था, अरे समझते हैं ना, दीक्षांत समारोह चल रहा था, सम्मान समारोह चल रहा था, वहां गवर्नर पर हमला कर दिया। तो इस तरह के कई सारे कार्य हुए हैं जिससे पता चलता था कि अब हमें गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहना, हमें आजाद होना है, ठीक है, एक आजाद भारत देखने का सपना इन लोगों का था। अन्य तथ्य में दे रहा, 27 फरवरी 1931 को दोस्तों जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी ना, तो चंद्रशेखर आजाद को बड़ा रुलाई आ रहा था, क्यों, चंद्रशेखर आजाद उम्र में बड़े थे, ठीक है, और उन्होंने समझ लीजिए एक तरह से ज्वाइन कराया था भगत सिंह को, ठीक है, ज्वाइन कर, भगत सिंह ज्वाइन करने के बाद
उनसे मुलाकात होती है, लेकिन बड़ी गहन मित्रता हो गई थी। और चंद्रशेखर का दिल मान नहीं, आज़ाद जी का दिल मान नहीं रहा था कि कैसे मेरे भगत को फांसी हो जाए। ठीक है, वो हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी भगत सिंह को बचा लिया जाए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों उस समय जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आपके जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एंट्री अभी हो चुकी है फिलहाल। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभी वो सपोर्ट में आ रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जितने बड़े बड़े नेता थे यहीं इलाहाबाद में लोग बैठे हुए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं, कहते हैं भाई आप कुछ भी करो, भगत को बचा लो, कैसे भी करके भगत को बचा लो। ठीक है, वहाँ तू मैं हो जाता है, वहाँ तू मैं हो जाता है। ठीक है, और नेतराम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर के अंग्रेज़ों से चुगली दाग देता है कि यहाँ आज़ाद आया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम रखा हुआ था। ठीक है, और अल्फ्रेड पार्क एक है आपके प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं, साइकिल से रहते हैं, बस वहीं पेड़ पौधे रहते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सारे पूरे बाग को अंग्रेज़ों ने घेर लिया और अंतिम क्षण तक आज़ाद जी लड़ते रहे। लेकिन जब उनके पास एक ही गोली बची तो फिर उन्होंने सोचा जीने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा कि अंग्रेजों की गोली से मरें, हम स्वयं को गोली मार लें। ठीक है, तो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है स्वयं के हाथों से। याद रखेंगे 27 फरवरी को ही गोली मारा था, मतलब अपने आप को शहीद किया था 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, इनके बाद जाकर के अगले महीने, फरवरी चल रहा है ना, फिर मार्च आएगा, 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया। ठीक है, करा 1940 में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दिया। दोस्तों कई लोग इसको जनरल डायर से समझते हैं, मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा, एक घटना हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड में बताऊं आपको, सुनिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन का सबको, 99% लोगों को कंफ्यूजन है, सुनिए। जलियांवाला बाग कांड में एक जनरल था, ठीक है, जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था वहां पर, जिसमें कई सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। जनरल डायर उस समय बस खाली जनरल था, ठीक है, और इसके भी ऊपर जो बैठा हुआ बड़ा अधिकारी था उसका नाम था माइकल ओ डायर। ये अलग व्यक्ति है और ये अलग व्यक्ति है, दोनों को याद रखेगा, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। ठीक है, तो जब इसने गोली चला दिया वहां पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो गई। 1920 में इसको इसके पद से इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है, मतलब हटा दिया गया। हटने के बाद दोस्तों इसका इस्तीफा क्या दिया गया मैं बताऊं आपको, पहले तो इसका बड़ा मान जान हुआ, ठीक है, ये जनरल था, लेकिन बाद में इसके पद, जैसे जनरल था ना, इसको जनरल पद इसका हटा लिया गया, इसको जनरल से कर्नल बना दिया गया। ठीक है, डिमोशन होता है, जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन भी होता है, इसका डिमोशन कर दिया गया, कर्नल डायर इसका नाम हो गया। फिर उसके बाद जनरल डायर पहले था, बाद में कर्नल डायर। तो दोस्तों ये सारी बातों को देखते हुए उसने खुद इस्तीफा दे दिया और जनरली देखा जाए तो 1927 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी, ये मर चुका था। जबकि अगर उधम सिंह की बात करें तो उधम सिंह के माता पिता की मृत्यु जलियांवाले बाग कांड में हो गई थी, इसीलिए उधम सिंह के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे किसे मारना है, मुझे मारना है किसको, जनरल डायर को। लेकिन जब पता चला कि जनरल डायर तो पहले ही निपट चुका है, तो जनरल डायर को छोड़ करके जो उसके ऊपर का अधिकारी था, जिसने ऑर्डर दिया था संजोग से, उसका नाम भी क्या है, क्या नाम है याद रखिए यहां पर, माइकल ओ डायर। तो 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर के माइकल ओ डायर को गोली मारा है। आपका कंफ्यूजन था, आज मैंने दूर किया, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी YouTube चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है, हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की तो शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी तैयारी
तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पर क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री आप कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए, कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।